एवरीवन, अगर आपका ख्वाब भी है सबसे अच्छी और जदीद इंग्लिश बोलना तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेम वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। सेम वर्ड ही होंगे, मतलब सेम वर्ड होंगे मगर उनके मीनिंग्स डिफरेंट होंगे। तो दोस्तों, यूँ ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल इब्राहिम टीवी इंग्लिश को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन, सेम वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। पहला वर्ड है हमारे पास एग्री। एग्री का मतलब होता है इत्तेफाक। Rice does not suit my stomach. Rice does not suit my stomach. चावल मेरे मुवाफिक नहीं। Do you agree to my term? Do you agree to my term? क्या आपको मेरी शराइत मंजूर है? I agree with you. I agree with you. मुझे इस मामले में आपसे इत्तेफाक है। He agreed to my proposal. He agreed to my proposal. वो मेरी तजवीज़ से मुत्तफिक हो गया। हमारा सेकेंड वर्ड है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूक। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल। बत्ती को फूक मारकर बुझा दो। I gave a blow to his nose. I gave a blow to his nose. मैंने उसकी नाक पर ज़रब लगाई। A cool wind blew in the evening. A cool wind blew in the evening. शाम को ठंडी हवा चलती है। The dry leaves are blowing about. The dry leaves are blowing about. खुश्क पत्ते इधर उधर उड़ रहे हैं। This ship blew up. This ship blew up. जहाज बारूद के जलने से तबाह हो गया। जहाज बारूद के जलने से तबाह हो गया। थर्ड वर्ड है हमारे पास ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अ फायर ब्रोक आउट इन आर स्ट्रीट। अ फायर ब्रोक आउट इन आर स्ट्रीट। हमारी गली में आग लग गई। ही ब्रोक द विंडो पेन। ही broke the window pane. उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। I broke my journey at Lahore. I broke my journey at Lahore. मैं दौराने सफ़र लाहौर ठहरा। मैं दौराने सफ़र लाहौर ठहरा। Thieves broke into his house. Thieves broke into his house. उसके घर में चोर घुस आए। His health has broken down. His health has broken down. उसकी सेहत गिर गई। He backed out his promise. He backed out his promise. उसने वादा खिलाफी की। चौथा वर्ड है हमारे पास केयर। केयर का मतलब होता है हिफाजत या फिर ख्याल रखना, हिफाजत। I do not care for riches. I do not care for riches. मुझे दौलत की कोई फिक्र नहीं। He is a carefree person. He is a carefree person. इसे कोई फिक्र नहीं। Would you care to go for a morning walk? Would you care to go for a morning walk? क्या तुम सुबह की सैर करना पसंद करोगे? There was nobody to take care of him. There was nobody to take care of him. उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं था। The child was kept under the care of an experienced doctor. The child was kept under the care of an experienced doctor. बच्चे को एक तजुर्बेकार डॉक्टर के ज़ेर इलाज रखा गया। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी सेहत का ख्याल रखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से।
Inshallah, we will be talking in next video. Take care. Bye for now.